Friends, I am Ravikant. Welcome you at Gyan Education. My dear friends, आज हम मॉड्यूल डी शुरू करने वाले हैं ऑफ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारा टॉपिक है मॉड्यूल का बैलेंस शीट मैनेजमेंट। तो ये मॉड्यूल डी काफी बड़ा मॉड्यूल है और इसमें देर आर यूनिट्स जो हैं 22 से 30 तक हैं। तो हम ये सारे यूनिट वन बाय वन कवर करेंगे और आई विल ट्राई टू यूज बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, सो बोथ काइंड ऑफ पीपल शुड बी कंफर्टेबल। ओके, लेट्स बिगिन। तो इस सेशन काफी ध्यान से देखिएगा, आई हैव वर्क हार्ड फॉर दिस सेशन, और जो इसमें कुछ कमी हो, इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ शॉर्टकमिंग्स, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि आप जब तक बताएंगे नहीं मुझे पता चलेगा नहीं। ओके, सो जरूर बताएं आप जो भी शॉर्टकमिंग्स हो। सो आइए शुरू करते हैं अब। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, दैट इज यूनिट 22। ठीक है, हम 22वें नंबर यूनिट करने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। अगर बात करते हैं बैलेंस शीट की सबसे पहले, तो इसमें जो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तो आपका है लायबिलिटी और सोर्सेस, कैपिटल्स ऑनर्स फंड, रिजर्व, स्टेट्यूटरी कैपिटल रिडम्पशन, शेयर प्रीमियम, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू रिजर्व, डिपॉजिट्स आपको पता ही है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी, आरडी, और भी बहुत सारे हैं। अगर बात करें बोरिंग्स की, तो बैंक जो हम इंटर बैंक से लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं, रीफाइनेंस जो होता है हमारा आईडीबीआई से, नबार्ड से, एक्जिम बैंक से। अगर बात करें अदर लायबिलिटीज की, तो आपका उसमें आता है बिल्स पेबल, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक्स, मेल ट्रांसफर। ओके, बेसिकली मेल ट्रांसफर पेबल जो होता है, ओके, और सन्ड्रीज, ये अदर लायबिलिटीज में आ गए। हेड ऑफिस क्रेडिट बैलेंस, ये सारे सारे क्या हैं, ये बैलेंस शीट के पार्ट हैं। अगर बात करें कंटिजेंट लायबिलिटीज का, ये जो होता है ये आपको नजर आएगा एज ए फुट नोट नजर आएगा, फुट मतलब कि एक साइड में नजर आएगा, ताकि हम देखते हैं कि हमारा कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी आई होप यू नो, आप पता होगा, मतलब वैसा लायबिलिटीज जो कि, यहां बात कर रहा हूं मैं कंटिजेंट लायबिलिटी की, एक ऐसा लायबिलिटीज जहां मतलब कि जिसमें आपको कभी भी आपको पे करना पड़ सकता है। ओके, मतलब आपको पे करना पड़ सकता है, दैट इज ए कंटिजेंट, इमरजेंसी वो होता है, इमरजेंसी लायबिलिटीज, मतलब आपको पे करना पड़ सकता है। यही बात करेंगे, थोड़ा डिटेल से बात करेंगे उस पर भी। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा लायबिलिटीज और सोर्सेज। तो आपका कैपिटल जो आपका क्या होता है, ऑनर्स फंड होता है, और रिजर्व आपको, जैसे रिजर्व जो है तो आपका स्टेट्यूटरी कैपिटल रिडम्पशन, शेयर प्रीमियम, ये सारे क्या आपके रिजर्व्स हैं। डिपॉजिट आपको पता ही है, इजली यू नो दिस, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी, आरडी। बोरिंग्स की बात करें तो इंटरबैंक्स लेते हैं, आरबीएस लेते हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। कंटिजेंट लायबिलिटीज, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट है, एलजी लेटर ऑफ गारंटी, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स, इस पर हम थोड़ा विस्तार बात करेंगे। चलिए पहले इससे बात कर लेता हूं मैं, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल का। को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल क्या होता है, अगर इसमें क्या होता है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर, हमने को एक्सेप्टेंस बिल बैंक ने कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, मतलब आपने वादा कर लिया कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर का बिल पे हम कर देंगे, और इंपोर्टर डिफॉल्ट कर गया तो आपको पे करना पड़ जाएगा। ये क्या है, ये कंटिजेंट लायबिलिटीज, अभी बताया था आपको। आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में अच्छा पता होगा, अगर नहीं पता है लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में तो वीडियो बना हुआ, उस पर जाकर आराम से देखें, यू विल गेट कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट। लेटर ऑफ गारंटी मतलब आपको गारंटी दिया है किसी को। क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, आपने को क्लेम किया हुआ था और वो एज आपका डेब्ट नहीं हो पाया, वही पैसे आपको नहीं मिलेंगे।
लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, आपका जो पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट है वहां आपको, वो भी आपका क्या है, कंट्रिजेंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका किसी ने बेसिकली जो है आपने किसी दूसरे करेंसी के लिए आपने, जैसे लाइक इंडिया इंडिया का रूपी और यूएसए का डॉलर का आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर हो सकता है कि आपने जो जो भी किया होगा, जैसे आपने सोचा होगा कि डॉलर का रूपी अप्रिसिएट होगा पर डिप्रिसिएट हो गया, तो आपको ये भी कंट्रिजेंट लायबिलिटी हो गया। आपको अगर थोड़ा सा लॉस हुआ तो लॉस तो एटलीस्ट हुआ, लायबिलिटी का पे करना पड़ जाए आपको अपने पॉकेट से। ओके, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एरियाज फॉर क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स, आपको एक का एक सारा जो है इकट्ठे देना पड़ जाए डिविडेंड। बिल रीडिस्काउंटेड, यहां बेसिकली बता थोड़ा सा एरिया में कि आपको अभी तक दे नहीं रहे थे, आपको पड़ा हुआ था लेकिन आपको डिमांड आ गई, मतलब को देना पड़ जाए, तो आपको क्या होगा, ये लायबिलिटीज में बन जाएगा, लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा, बेसिकली कंटिजेंट लायबिलिटी जो आपको एक पे करना पड़ रहा है। ठीक है, बिल्स रीडिस्काउंटेड, ये भी आपका आपका है कंटिजेंट लायबिलिटीज। अंडरराइटिंग बिजनेस, ये भी आपका जो है आप इसमें कर रहे हैं और क्या आपको धोखा मिला या यू गेट डिफॉल्ट, सो अगेन इट्स अ कंटिजेंट लायबिलिटीज। अब बात करेंगे थोड़ा सा एसेट और यूसेज ऑफ फंड्स के बारे में। कैश एंड बैंक बैलेंस इन इंडिया एंड अब्रॉड, आपका क्या है, ये एसेट है, बैलेंस विद आरबीआई, ये भी आपका एसेट है आपका। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस अप टू 15 दिन के लिए, इसे भी हम एसेट में काउंट करेंगे। और यू कैन सी कि ये सारे यूज ऑफ फंड भी है क्योंकि आपके फंड रखे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट्स, ये सारा आ जाएगा, जैसे यूज ऑफ फंड, पैसा आपके पास इन्वेस्ट कर रखा है आपने, जैसे एडवांस दे रखा है, सीसी, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, डिमांड लोन, बिल पेएबल, बिल डिस्काउंटिंग, तो सारा क्या है, ये यूसेज ऑफ फंड्स है। फिक्स एसेट, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने या फिर अपने बिजनेस को अच्छे करने के लिए फिक्स एसेट खरीदते हैं। हेड ऑफिस डेबिट बैलेंस एसेट है। अदर एसेट आ जाएगा आपका, जैसे इंटरेस्ट और स्टैंडिंग ऑन एडवांसेस या सस्पेंस पे, आपका जो ये सस्पेंस जो हो रखा है एडवांसेस, ये भी आपका क्या है, एसेट में आ जाएगा, या फिर यूज ऑफ फंड्स में भी है। यूज ऑफ फंड्स में कम है क्योंकि ज्यादातर आपको रखा हुआ है तो आपको जो बाहर ही उतना अर्निंग कर पा रहे हैं, पर इट्स गुड वन कि आप इसे एसेट बोलें। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इस पे हम बात करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपको यू नो वेरी वेल कि पीएल अकाउंट में जो होता है, अगर इनकम साइड देखें तो क्या होता है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। पहले मैं इस इनकम की तरफ बात कर लेता हूं। ओके, इनकम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हो गया, कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, ये सारा आपका इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड अर्न, ये सारा आपका क्या है, ये सारा आपका इनकम है ये। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा डिपॉजिट पे, एक्सपेंडिचर है आपके लिए, आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बोरिंग, आपने जो बोरिंग कैंस किया है आपका एक्सपेंडिचर है। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, मतलब कि आप जो अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, दैट्स अगेन एक्सपेंडिचर है। रेंट, टैक्सेस, लाइटिंग, जो भी आपका रेंट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लाइटिंग, सारा ये क्या आपका गया, आपका सब कुछ ये सारा कुछ क्या आपका हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। रेंट अलग, टैक्स अलग, लाइटिंग अलग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपका अगेन एक्सपेंडिचर है ये। डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट, ये भी जरूरी है आपको, लेकिन एक्सपेंडिचर है, खर्च है। लॉ चार्जेस, कभी कभी क्या होता है, केस लड़ना पड़ता है बैंक को, तो वहाँ भी ये करना पड़ता है। ओके, ऑडिटर्स एंड अदर फीस, जो आप ऑडिटर्स को हायर किया, किसी और को हायर किया, उसको फी देने पड़ते हैं, ये सारा क्या है, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, सो आप इसे ध्यान रखें या फिर उसका नोट्स तैयार कर लें सारे का, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर बात करें इसमें और जो आपका इंश्योरेंस, इसमें एक इंश्योरेंस भी था जिसमें कि आपका ये भी एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके, अब बात करते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में, जो इसे कंपोनेंट्स थोड़ा देखते हैं डिटेल्स में, तो इसमें क्या क्या कवर करते हैं हम, बेसिकली जो है बैलेंस शीट कंपोनेंट्स को,
कंपोनेंट्स ऑफ पीएल अकाउंट अपने देख लिया आपने, ठीक है। और जो है जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जो है इसका जो है रिस्क मैनेजमेंट इसका मेन फंक्शन है कि आपको रिस्क बचाया जाए। रिस्क से बचाने का मतलब क्या है, आपको लॉस से बचाया जाए। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ALM। इन्वॉल्व्स मैचिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज अगेंस्ट क्रेडिट इंटरेस्ट लिक्विडिटी एंड एक्सचेंजेस। ओके, तो ये क्या करता है आपका, ये बेसिकली जो है आपका एसेट लायबिलिटीज और आपका जो है इंटरेस्ट, तो आपका ये सारा जो है इसमें आपको हेल्प करता है, मतलब ALM आपको, तो इट्स वेरी हाईली बेनिफिशियल वन। आपको जो है ये डिसीजन लेने में मदद करता है कि आपको कौन से एसेट को कहाँ से अटैच करना है, लायबिलिटी कैसे, ओके, मतलब कि एसेट और लायबिलिटीज को यूज करके कैसे आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और आपका लिक्विडिटी हमेशा बना रहे। मतलब आपको बस लोन लेने आए तो आप बस पैसा रहें तब तो पैसे रहेंगे तब तो आपको लोन दे पाएंगे, मतलब कि लिक्विडिटी मतलब कि मनी आपका होना चाहिए तब तो दे पाएंगे किसी को लोन, तब तो आप गारंटी होगी, ओके। या फिर आपको डिपोजिट अगर पैसा मांगने आ गया तो भी आपको लिक्विडिटी अच्छा होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमें जरूरत क्यों है ALM की, तो इसमें अगर बात करते हैं वोलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट्स एंड प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इसलिए आजकल क्या हो गया, इंटरेस्ट के ब्रूटल काफी हो गया, पहले की तरह नहीं रहा, आज काफी फास्ट। एक्सचेंज रेट्स, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, आप जानते हो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी मतलब कि शेयर घटते बढ़ते तो फास्ट चलता रहता है, तो ये सब जो इसलिए जरूरत हो चुकी है। आजकल जो नए नए प्रोडक्ट्स आ गए, जैसे आपने सुना ही होगा स्वीप इन स्वीप आउट, फ्लेक्सी डिपोजिट प्रोडक्ट्स, मतलब कि आपको फ्लेक्सी RD के नाम से सुना होगा आपने, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है कि आपको जितना मन करे उतना हर महीने आपने FD करते ले गए, तो पहले की तरह नहीं बाउंडेशन नहीं है। रेगुलेटरी गाइडलाइंस बेसल RBI जो है आपको अच्छे से इसको नॉर्म को फुलफिल कर पाएंगे या फॉलो कर पाएंगे, ओके। मैनेजमेंट अवेयरनेस जरूरी है क्योंकि आपका तभी से सही से मैनेजमेंट फंक्शन कर पाएगा, और आपका जितना अच्छा ALM रहेगा उतना अच्छा आपका सेल्स मैनेजमेंट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा अवेयर रहेगा तो अच्छे से वर्क कर पाएगा। और बात करें थ्री पैरामीटर्स की, जो टू मीटर ALM, तो लेट्स सी, पहला अगर बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो ये क्या होता है आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सॉरी नेट इंटरेस्ट इनकम आपका, ये NII नेट इंटरेस्ट इनकम है, तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा नेट इंटरेस्ट, ओके, नेट इंटरेस्ट इनकम आपको हो जाएगा नेट इंटरेस्ट इनकम। और बात करें NIM, ये आपका हो गया आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये क्या होता है आपका नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइड बाई एवरेज अर्निंग एसेट्स, आपका निकल के आ जाएगा वहां से NIM। इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो, आपको अगर शेयर होल्डर फंड को डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट से तो क्या निकल के आपको आ जाएगा इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स, एनी शॉर्ट कमिंग्स यू फाइंड, प्लीज राइट डाउन इन comment box. See you in the next video. I will try to soon release the next video.